नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हाजिर है आप सभी के सामने देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तिरस सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद आम आदमी पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर सरकार पर हल्ला बोलेगी। पार्टी का कहना है कि सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। 20 जून को होने वाले गंगा दशहरे के स्नान पर 19 जून को हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डरों पर पुलिस पहरा लगेगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण वाले श्रद्धालु को हरिद्वार माने की अनुमति मिलेगी। ब्लैक फंगस के मामले चिंता बढ़ा रहे। मुंबई में ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। तीनों बच्चे कोरोना से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुए थे। कोरोना काल में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बनी परेशानी। उत्तराखंड आने के बजाय हिमाचल जा रहे पर्यटक। भारत में ट्विटर का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को यूपी पुलिस ने भेजा लीगल नोटिस। वीडियो रिट्वीट करने वाले लोगों की पूरी लिस्ट मांगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए, 7 की मौत। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामले 3,38,066 के पार, इनमें से 3,21,807 के पार ठीक। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,471 पहुंची। राज्य में कोरोना के चलते 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रजनीकांत को विजय ने छोड़ा पीछे। सुपरस्टार विजय ने थलपंती 65 के लिए सन पिक्चर्स से करोड़ों का चार्ज लिया। खबर के अनुसार एक्टर ने 100 करोड़ रुपए में फिल्म साइन की। उत्तराखंड सरकार 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा चरणबद्ध ढंग से शुरू करने पर विचार कर रही। सरकार 22 जून से यात्रा शुरू करने की स्थिति में नहीं है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। दोनों बीमारियां कोरोना से ज्यादा जानलेवा मानी जा रही। इंदौर में महिला के सिर से अब तक का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस इन्फेक्शन मिला, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान। विल स्मिथ छोटे पर्दे पर अपना चार्म दिखाने को तैयार। मैन इन ब्लैक एक्टर नए कॉमेडी स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड। सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।